वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर जैसे ये कुंडली हो इस तरीके से, और इसके अक्ष मतलब ऐसे ऊपर नीचे ये अक्ष जो होगी, अभी हमने इस कुंडली के केंद्र पर निकाला था, ठीक केंद्र पर, लेकिन अब अक्ष पर ऊपर या नीचे, तो वृत्ताकार ये धारावाही कुंडली है, एन फेरे इसमें हो सकते हैं, एक लूप भी हो सकता है। ये एक तरह से कागज के तल के लंबवत, ऐसे लंबवत है, तो इसकी अक्ष ऐसे हो गई, कागज के तल में हो गई। थोड़ा सा 3D है, ध्यान रख देना पड़ेगा। मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है, यानी जब यहां आते हैं तो धारा ऊपर है, यहां जाते हैं धारा नीचे है, यानी यहां की धारा को हमने एरो के निशान से दर्शाया है, ऊपर की ओर धारा आ रही है। यहीं पर अगर छोटी सी लंबाई डीएल का धारावाही चालक खंड लेंगे, तो धारा की दिशा, लंबाई की दिशा ऊपर की ओर हो गई, और दाएं हाथ का हिसाब लगाएंगे, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। ये बिंदु जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अक्ष पर, इस दिशा में उंगलियां फैलाएंगे और हथेली को धक्का देने वाली दिशा ऐसे हो जाएगी। इसके कारण ये नीचे इधर बैठेगी, नीचे इसके ठीक लंबवत ये इधर हो जाएगी। ऊपर धारा बह रही है, दाएं हाथ का फैलाएं, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा, उंगलियां इधर फैलाएं, तो धक्का देने वाली दिशा ये हो गई। इसके ठीक लंबवत, उंगलियों की दिशा के ठीक लंबवत हथेली को धक्का देने वाली दिशा। अब यहां मान लीजिए ये कोण हम फाई मानते हैं, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर हमने मानी है, सेंटर से इसकी अक्ष पर एक्स दूरी पर कोई बिंदु लिया है पी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यहां अगर डीएल लंबाई का एक खंड लें, धारावाही खंड, इसके कारण इधर बैठेगी, इधर लेंगे तो वो इधर बैठेगी। अब देखिए डीबी इधर है, ये कोण फाई लिया है, इस रेखा पर ये ठीक लंबवत है, ये उंगलियों की दिशा थी और ये उसको धक्का देने वाली दिशा थी, और इस अक्ष पर ये लंब खींचा गया है। तो देखिए इस डबल लाइन एंगल को बीच की बात हम करें, ये जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, और इसमें ये जोड़ देंगे तो भी 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये फाई है तो ये फाई हो गया, और डीबी का फाई दिशा में घटक डीबी कॉस फाई, डीबी का इसके लंबवत इस दिशा में डीबी साइन फाई, वेक्टरों का घटक तोड़ना। जो इधर होगा चालक खंड नीचे की ओर वाला, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, ये कोण फाई है, ये कोण फाई होगा, डीबी का इस डायरेक्शन में घटक डीबी साइन डीबी, ये फाई कोण है तो डीबी कोस फाई इधर हो गया और डीबी साइन फाई इधर हो गया। तो जैसे ये खंड था ऊपर वाला, ये खंड है नीचे वाला, दोनों क्योंकि धारा तो एक साथ बह रही है पूरे में, तो ये जो ये वाला घटक है इसके कारण ये वाला घटक, इसके कारण ये वाला घटक बराबर और विपरीत है, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाले खंड के कारण नीचे वाले खंड के कारण कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये वाले जो घटक हैं वो एक दूसरे के बराबर विपरीत होने से कैंसिल हो जाएंगे,
ये बात लिखने की नहीं समझने की है। तो अक्ष के लंबवत वाला जो घटक है वो सब शून्य हो जाएगा और बचेगा अक्ष की दिशा वाला डीबी साइन फाइव। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान स्मॉल डीएल लंबाई से लिया था तो डीबी साइन फाइव, और टोटल लंबाई से लेंगे तो इंटीग्रेशन डीबी साइन फाइव। डीबी ये हो गया फॉर्मूला है डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये डीबी का मान है। तो बी टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन डीबी साइन फाइव म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल साइन फाइव, क्योंकि डीएल लंबाई बदल रही है और फाई ये कौन। हमें ये तरीका भी आना चाहिए कि अगर हम ये कोण थीटा मान लेते हैं, आर त्रिज्या है, एक्स दूरी है, यहां धारावाही खंड है, ऊपर की ओर धारा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, तो अगर हम ये कोण थीटा मान ले, किसी आपके पास जो किताब हो सकती है वो हो सकता है उसमें थीटा कोण ये माना गया हो, जैसे पहले वाला जो अभी हमने बताया ये कोण फाई मानकर चित्र बनाया था, ये कोण फाई था तो ये कोण फाई था। लेकिन अगर हम ये कोण मानते हैं फाई या थीटा जो भी मान लीजिए इसको थीटा मान रहे हैं तो ये कोण थीटा है। अब देखिए ये और ये समांतर है, काट रही है ये, तो ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा हो गया। और इसमें अब यहां देखिए ये डबल लाइन एंगल, ये देखिए इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो 90 डिग्री और इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो 90 डिग्री, इसका मतलब ये कोण थीटा हो गया, इस अक्ष में थीटा हो गया, इसका घटक ऊपर इधर जो आएगा वो इधर वाले के कारण आएगा, इस दिशा में होगा, इसका एक घटक इधर होगा, ये लंबवत वाले कैंसिल हो जाएंगे, इसका यही घटक बच जाएगा। तो इधर का घटक हो गया डीबी, अब थीटा वाली दिशा है तो डीबी का थीटा वाली दिशा में घटक डीबी कॉस थीटा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यहां फाई लिया था तो साइन फाई आया था, साइन लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आ तो वही रहा है दिस अपॉन दिस कैपिटल आर अपॉन आर, यही आएगा। तो पूरी लंबाई एक धारावाही लूप की 2 पाई आर हो जाएगी, आर त्रिज्या है, और साइन फाई का मान आर अपॉन आर हो गया। ये फाई कोण माना हुआ है, लंब बटे कर्ण होता है साइन, लंब बटे कर्ण आर बटे आर, ये हो गया। बस इसको सॉल्व हमने कर दिया है, डीएल तो 2 पाई आर होगा, और परिधि देखो आर का मान यहां से निकाला जा सकता है, ये आर निकालना हो इस ट्रायंगल में कर्ण है तो आर का मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर एन फेरे हैं तो एन गुणा हो जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा लेकिन n गुना हो जाएगा, क्योंकि एक धारा लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर है तो दूसरे के कारण भी उसी दिशा में होगा, क्योंकि धारा ऐसे ही बहती रहेगी n गुना। और देखो इस फॉर्मूले से हम अगर अक्ष केंद्र पर निकालना चाहें तो केंद्र का मतलब x बराबर जीरो, ये अक्ष है, अक्ष पर का सूत्र निकाला है, लेकिन अगर केंद्र पर निकालना हो तो x का मान जीरो हो जाएगा, x बराबर जीरो होते ही वृत्ताकार कुंडली का केंद्र आ जाएगा, x बराबर जीरो रखेंगे तो केंद्र आ जाएगा, x का मान जीरो हो जाएगा, और जीरो रखेंगे
यही आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले पर आधारित आते हैं।